हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यन। तो टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। तो हम डिस्कस करेंगे समरी इन वन गो। सो हियर वी आर। फ्रांस वाज अ यंग स्कूल बॉय इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास, विच हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन्स ड्यूरिंग द फ्रेंको प्रूशियन वार ऑफ 1870-71। तो अल्सासे एक डिस्ट्रिक्ट है जो जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर ली थी इन द फ्रेंको प्रूशियन वार ऑफ 1870-71। और फ्रांस जो है वो एक यंग स्कूल बॉय है अल्सास के डिस्ट्रिक्ट का। वन मॉर्निंग ही वॉक्ड रिलक्टेंटली टूवर्ड्स स्कूल as he had failed to learn the grammar lesson assigned by his teacher M. Hamel। तो एक मॉर्निंग वो अपनी बिना इच्छा के स्कूल की तरफ जा रहा है क्योंकि वो अपने टीचर M. Hamel का ग्रामर लेसन दिया हुआ याद करना भूल चुका था। तो वो अनइच्छुक भी कह सकते हैं आप, reluctantly का मीनिंग, वो reluctantly अपने स्कूल में जा रहा है। The fear of punishment brought wayward ideas to his mind। अब उसने अपने टीचर का दिया हुआ ग्रामर लेसन याद नहीं किया था तो उसके माइंड में एक फियर था पनिशमेंट का, जो बहुत ही wayward ideas ला रहा था उसके दिमाग में। He thought of escaping school and spending his day in the company of nature। उसने सोचा कि मैं स्कूल से आज छुट्टी कर लेता हूँ, मतलब स्कूल ना जाता हूँ, बंक मार लेता हूँ और अपना सारा दिन नेचर में ही गुजारूँगा, इन द कंपनी ऑफ नेचर में स्पेंड करूँगा। हाउ एवर ही रेजिस्टेड ऑल टेम्पटेशंस एंड प्रोसीडेड ग्रेजुअली होपिंग टू एस्केप हिज टीचर्स अटेंशन एमिट्स द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ अर्ली आवर्स एट स्कूल। हाउ एवर उसने अपनी ये सारी स्पेंड नेचर की कंपनी में स्पेंड करने की जो टेम्पटेशंस थी और स्कूल से एस्केप करने की जो टेम्पटेशंस थी उसको वो रजिस्ट करता है, मतलब उसको छोड़ देता है और ग्रेजुअली चला जाता है अपने स्कूल में। और वो सोचता है कि जो सुबह की यूजुअल हसल एंड बसल होती है अर्ली स्कूल्स में, जैसे बच्चे आते हैं तो काफ़ी शोर हो जाता है स्कूल में, तो उसने सोचा कि उस बीच में मैं अपने टीचर की अटेंशन को एस्केप कर लूँगा, मतलब अपने टीचर के अटेंशन से मैं बच जाऊँगा। तो बिफोर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन ही पास द टाउन हॉल वेयर ही सो अ ग्रेट रश ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अपने क्लास में जाने से पहले उसने वो टाउन हॉल से पास हुआ जहाँ पे उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स का, पीपल का काफ़ी रश लगा हुआ है। एज एन ये मैंने मीनिंग आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये जैसे ये इनहेबिटेंट वार टोन ड्रेडफुल, ताकि आप लोग को, मतलब अगर आप ये वीडियो खोल लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको ये लाइन और समरी रीड करने में आसानी हो, आप बार बार गूगल पे सर्च ना करो मीनिंग। सो कंटिन्यूइंग, एज एन इनहेबिटेंट फ्रॉम अ वार टोन एरिया ही न्यू that there must be yet another dreadful message posted on the board। अब जो था हमारा जो फ्रांस जो था वो ऐसी जगह पे रहता था जिसमें जर्मन्स का कब्जा हो चुका था, तो वो वार टोन एरिया से, मतलब जहाँ पे युद्ध हुआ है, युद्धग्रस्त एरिया है जो, वहाँ का वो निवासी था। अब जहाँ पे जैसे कोई ऑक्यूपाई कर लेता है तो एक फियर तो रहता ही है कि अब पता नहीं क्या इन्होंने, जर्मन्स ने पता नहीं क्या फियरफुल मैसेज पोस्ट कर दिया होगा बोर्ड पे, तो वो थोड़ा वो हो जाता है। बट ही वंडर्ड व्हाट ही इट कुड बी, लेकिन वो सोचता है कि क्या मैसेज उन्होंने पोस्ट किया है बोर्ड पे। ऑन रीचिंग स्कूल ही विटनेस एन अनयूजुअल काम। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस देता है, मतलब कुछ अनयूजुअल ही काल्म है, अनयूजुअल ही शांति है वहाँ पे। द क्लास वॉज ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स अलोंग विद द रेगुलर स्टूडेंट्स। अब रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा जब वो क्लास में पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारी क्लास थी, उसकी क्लास थी, वो उसमें विलेजर्स भी बैठे हैं।
सरप्राइजिंगली देयर टीचर एम हैमल ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट डिड नॉट रिप्रमेंड फ्रांस फॉर बींग लेट। सरप्राइजिंगली जो एम हैमल थे उसके टीचर ने संडे बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे और वो फ्रांस को रेप्रीमेंड भी नहीं करते थे। रेप्रीमेंड मतलब उन्होंने फ्रेंड्स को डांटा भी नहीं कि तुम लेट क्यों हुए हो। इंस्टेड ही आस्क्ड हिम सोलेमली टू बी सीटेड इन हिज प्लेस। उन्होंने बड़े ही शांति से बड़े ही प्यार से उसको उसकी प्लेस पे सीट पे बैठने के लिए कहा। द रीज़न फॉर द अनयूजुअल हैपनिंग्स ऑफ दिस डे डॉन्ड अपॉन फ्रांस व्हेन हिज टीचर अनाउंस दैट इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज द प्रूशियंस had passed an order that sought to be replaced the teaching of French with German। जो सारी unusual happenings हो रही थी सुबह से तो फ्रांस को वो उसके बारे में पता चल जाता है जब उसके टीचर अनाउंस करते हैं कि ये जो है हमारा आज का लेसन लास्ट फ्रेंच लेसन हो सकता है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का ये हमारा लास्ट लेसन हो सकता है आज। बिकॉज द प्रूशियन हैड पास्ड एन ऑर्डर, क्योंकि प्रूशियंस ने एक ऑर्डर पास किया है कि हम रिप्लेस करेंगे जर्मन कि हम रिप्लेस करेंगे फ्रेंच के टीचिंग को जर्मन से, मतलब अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। This news sounded like a disaster। ये news एक disaster की तरह sound करी। M. Hamel, however, did not let the spirits to dampen and begin the last lesson with full enthusiasm। अब ये सब सुन के सबके जो थी spirit वो काफ़ी low हो चुकी थी, लेकिन M. Hamel ने spirits को let down नहीं होने दिया, dampen कम नहीं होने दिया और उसने लास्ट लेसन अपना फुल एंथुसियाज्म फुल एनर्जी के साथ उसने टीच किया। फ्रांस वाज आस्क्ड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स व्हिच ही फंबल्ड विद एज ही हैड नॉट रिवाइज्ड प्रॉपरली। अब फ्रांस जो था वो पहले ही अपना लेसन याद करके रिवाइज करके नहीं गया था। अब उसमें फ्रांस को पूछा गया कि तुम पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करो, जो वो मतलब फंबल हो जाता है, मतलब गड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने वो प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया था। मतलब उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स जब उससे पूछे गए बताने को वो बता नहीं पाया, वो गड़बड़ा गया क्योंकि उसने वो रिवाइज नहीं किए थे प्रॉपरली। ही रिपेंटेड इन हिज कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ओन मदर टंग एंड नाउ The fear of losing the opportunity to master his native language spelled like a doom to him। वो काफ़ी पछताया कि उसका बहुत ही अपनी ओन मदर टंग के लिए एक कैजुअल एक बहुत ही साधारण सा एटीट्यूड था और अब वो सोचता है कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने ही नेटिव लैंग्वेज को मास्टर करने की अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दूंगा, उसके लिए एक ये चीज़ स्पेल लाइक अ डूम टू हिम, मतलब एक कयामत की तरह ये चीज़ उसके सामने आई। बट कॉन्ट्ररी टू द रूटीन डेज एम हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांस। लेकिन रूटीन डेज पे तो एम हैमल उसको डांटते थे, लेकिन कॉन्ट्ररी टू द रूटीन डेज मतलब रोज़ की तरह नहीं, एम हैमल ने उसको नहीं डांटा, पहले डांटते थे अब नहीं डांटा। He expressed deep worry about the human tendency to take things for granted। उन्होंने अपनी deep worry दिखाई human tendency के बारे में कि human जो होते हैं ना वो मतलब things को बहुत ही for granted लेते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, ये क्या चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, अरे छोड़ो छोड़ो ऐसे ही होता है, तो मतलब वो अपनी things को for granted लेते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी डीप वरी एम हैमल ने अपनी डीप वरी दिखाई अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ही हेल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर टू लर्न फ्रेंच। उन्होंने सबको तो जो था जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया
कि हम फ्रेंच सीखने के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि हम फ्रेंच नहीं सीख पाए या नहीं सिखा पाए। हाउएवर, लाइक अ ट्रू स्पिरिटेड टीचर, ही डिवोटेड द एंटायर लास्ट लेसन टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स हिज नॉलेज एज बेस्ट एज ही कुड। हाउएवर, एक सच्चे टीचर की तरह उन्होंने अपनी लास्ट लेसन सिखाने की, जो उनका तरीका था, उन्होंने लास्ट लेसन ऐसे सिखाया एज बेस्ट एज ही कुड, मतलब जितने अच्छे से वो सिखा सकते थे उतने अच्छे से उन्होंने अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स को पास की जो उन्होंने लास्ट लेसन में सिखाया। ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। ये फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज किया और कहा ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। एंड आस्क हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट ऑलवेज। उन्होंने कहा कि इस लैंग्वेज की हमेशा रक्षा करना। ही एक्सप्लेन द लेसन विद पेशेंस एंड गेव न्यू कॉपीज टू द स्टूडेंट्स विद फ्रेंच एसेज रिटन इन ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग ऑन दैम। उन्होंने जो था लेसन बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया और न्यू कॉपीज दी स्टूडेंट्स को जिसपे लिखा था फ्रांस एलसेज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। उन कॉपीज के ऊपर ये फ्रांस एलसेज लिखा हुआ था ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। द स्टूडेंट्स टू एग्जिबिटेड रेयर अटेंशन एंड ट्राई टू लर्न ऑल देयर टीचिंग टॉट ऑन दैट डे। स्टूडेंट्स ने तो जो था मतलब अपनी अटेंशन बहुत ही रेयरली हटाई होगी और उन्होंने फुल अटेंशन के साथ और सीख फुल अटेंशन के साथ और उन्होंने ट्राई किया कि वो लर्न कर ले सारी टीचिंग्स जो उन्होंने आज के दिन पढ़ाई है, उस दिन मतलब पढ़ाई थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स बोथ यंग एंड ओल्ड वर ओवरवेलम्ड विद इमोशन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन जो टीचर और उसके स्टूडेंट्स थे बहुत यंग एंड ओल्ड ओवरवेलम्ड थे इमोशंस के साथ। एम हेम्बल साइंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग इन बिग लेटर्स द मैसेज लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द बोर्ड। तो एम हेम्बल अपना लास्ट लेसन साइन ऑफ करते हैं और लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस इन बिग लेटर्स ऑन द बोर्ड। यू सी हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ अमेजिंग दिस चैप्टर वॉज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड नाउ आई विल रीड द थीम एंड एक्सप्लेन यू। द स्टोरी ब्यूटिफुली ब्रिंग्स टू लाइट द सेंस ऑफ रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू पोस्टपोन द लर्निंग ऑफ थिंग्स फॉर वन ऑलवेज फील्स दैट देयर इज अबंडेंट टाइम। ये जो स्टोरी है वो लाइट मतलब रोशनी डालती है टू द सेंस ऑफ रिग्रेट कि मतलब जब हम एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देते हैं और फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी ही होती है कि हम बाद में सीख लेंगे, थिंग्स को लर्न बाद में कर लेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत ही टाइम है, बहुत अबंडेंट टाइम है, तो हम क्यों सीखें। लेकिन फिर जब हम अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हैं तो हमें रिग्रेट होता है, हमें पछतावा होता है कि यार काश हम सीख लेते तो अच्छा होता। वन नेवर नोज वन द डूम्स डे विल डॉन एंड ब्रिंग एन एंड टू अवर होप्स एंड एस्पिरेशंस। किसी को नहीं पता कि जब डूम्स डे आता है मतलब जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब जब कयामत की रात आ जाती है और कि वो कब आएगी किसी को नहीं पता, और हमारी होप्स पे वो हमारी होप्स को वो एंड कर देगी। द नेटिव्स ऑफ अलसास रियलाइज देयर फॉली ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड नॉट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। अब अलसास के जो नेटिव्स हैं वो रियलाइज करते हैं अपनी मिस्टेक कि हम अपनी मिस्टेक थिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेने की और अपनी नेशनल लैंग्वेज की स्टडी को इम्पोर्टेंस ना देने की।
दे बिकम विक्टिम्स ऑफ द प्रूशियंस लिंग्विस्टिक चावनिज्म विच कंपेल्स देम टू स्टडी जर्मन्स इन प्लेस ऑफ फ्रेंच. वो विक्टिम्स बन जाते हैं प्रूशियन के लिंग्विस्टिक चावनिज्म का. मतलब प्रूशियंस चाहते हैं कि उन्हीं की लैंग्वेज सिखाई जाए, जर्मन सिर्फ सिखाई जाए, फ्रेंच ना सिखाई जाए. विच कंपेल्स देम, जो उन्हें जोर देती है कि वो स्टडी करे जर्मन, उनकी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच की जगह. दे रिसीव देयर लास्ट लेसन इन फ्रांस, सॉरी फ्रेंच, एंड बेड अ टीयरफुल एड्यू टू देयर मदर टंग. वो रिसीव करते हैं अपना लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड एक बहुत ही टीयरफुल, मतलब उदास से आंसू भरी बाय अपनी फ्रेंच मदर टंग को. सो दिस वॉज द लास्ट लेसन समरी. इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन गिव थम्स अप टू आवर विद्या लर्निंग वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो टुमारो आई विल कम विद मोर एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी. या